मैं लगभग अपनी हर यात्रा की शुरुआत अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से करता हूं, और आज यहां पर पुराने इंजन को पेंट होता देख दिल में बहुत ज्यादा खुशी हुई दोस्तों। और आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अंबाला छावनी जंक्शन पहुंच चुका हूं दोस्तों। अब मैंने मात्र 70 रुपए की जनरल टिकट खरीद ली है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में स्वागत है। दोस्तों आज फिर से हम नई यात्रा के लिए निकलने वाले हैं। दोस्तों मौका तो ये होली का है और मेरा मन अजमेर जाने का था, पुष्कर की होली मनाने का था, और मैंने कल अपनी तत्काल टिकट भी करी थी पुष्कर जाने के लिए, जो कि शाम को करीब 6:30 की ट्रेन थी। लेकिन जब मैं तत्काल टिकट कर रहा था तो वेटिंग लिस्ट में इतनी चली गई 100 के करीब कि मुझे पता है कि मेरी टिकट कंफर्म नहीं हो पाएगी। तो मैं सुबह से कंफ्यूज था भाई, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, घूमना तो ही है। तो अचानक देखा कि मेरे दिल में था कि मैं ऋषिकेश कभी अकेला जाऊँ। अकेला गया तो हूँ मैं पिछले सारे ऋषिकेश, राफ्टिंग भी करी है, लेकिन मैंने वहाँ समय नहीं बताया। मेरे पास इस समय समय है तो मैं अजमेर छोड़ करके, क्योंकि वहाँ का टिकट तो हो गया पर टिकट ऐसा हो गया कि कंफर्म नहीं हो पाएगा, तो मैंने तुरंत प्लान बदला और मैं अंबाला कैंट पहुंच चुका हूं, देख सकते हैं। और अब मैं करने जा रहा हूं ऋषिकेश पहुंचने की यात्रा, और सामने आप देख सकते हैं इस समय हरिद्वार जाने की ट्रेन आ चुकी है। तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना पहले हरिद्वार चला जाऊं, उसके बाद अगर कोई पीछे से ट्रेन आ रही होगी तो उसमें बैठ के ऋषिकेश पहुँचेंगे अपना। तो ट्रेन तो आ चुकी है, ये शायद बीकानेर से आ रही है, हरिद्वार तक ट्रेन है। चलिए इसमें बैठते हैं, टिकट विकट तो ले लिया है मैंने, और फिर हरिद्वार पहुंचते हैं, फिर आपको सारी यात्रा हम दिखाएंगे। चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं दोस्तों। दोस्तों मैंने जनरल टिकट लेकर के स्लीपर में जाने का प्रयास किया, लेकिन उससे पहले ये सोचा पहले मैं जो जनरल कोच है वो तो देख लेता हूँ, जो ये ट्रेन बीकानेर से आ रही है, क्या पता जनरल कोच खाली हो। और जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे चालू डब्बा बोलते हैं जिसको जनरल कोच, उसमें जगह मिल गई। बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जनरल का टिकट ही लिया है और वहीं जा कर के ऊपर की सीट मिल गई, आराम से लेट कर जा सकता हूं मैं। और जब ट्रेन चली तो पता ही नहीं चला, मैं दोपहर में 1 घंटे सो गया, जब उठा तो मैंने देखा कोई रेलवे स्टेशन आ चुका है। तो मैंने देखा ये रुड़की रेलवे स्टेशन था। देखो दोस्तों पता ही नहीं लगा कि मैं सो भी गया, और मैंने भूख लगी थी तो यहाँ मैंने रुड़की के समोसे खाने का निर्णय लिया ट्रेन के नज़ारों के साथ, क्योंकि अब उत्तराखंड काफ़ी नज़दीक है। तो मैं इस समय जो ट्रेन का दरवाज़ा है उसके पास आकर के जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, कल होली है दोस्तों, उससे पहले मैं अभी बता भी चुका हूँ इंट्रोडक्शन में, मैं आज पुष्कर की होली पर जाने वाला था, लेकिन मेरी किस्मत में ये सुंदर दृश्य लिखे हुए थे ऋषिकेश रास्ते में जो आते हैं। और एक अब ब्रिज आने वाला है उसको हम देखेंगे, और उस ब्रिज पर जब ट्रेन गुजरेगी और जब ट्रेन ब्रिज से गुजरती है और जो आवाज़ें आती हैं वो दिल में एक अलग प्रकार का सुकून देती हैं, उस चीज़ को हम महसूस करेंगे ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर के। दोस्तों हर चीज़ का एक एडवेंचर है, हर चीज़ का आनंद लेना चाहिए। और हमारी ट्रेन इस समय देख सकते हैं एक बहुत बड़े ब्रिज है उधर से गुजर रही है, नदी भी है, नदी का नाम मैं नहीं जानना चाहूँगा, लेकिन नदी का आनंद अभी लूंगा। और ब्रिज पर से जिस तरह से आवाज़ करते हुए ट्रेन गुजर रही है बहुत ही आनंद आ गया दोस्तों। ट्रेन से प्यार है, ट्रेन में सफ़र करना अच्छा लगता है, तो हर चीज़ में ही आनंद आता है। जब ट्रेन बीच रास्ते में कहीं खड़ी हो जाती है तो हम झांक करके बाहर गाँव को देखने का प्रयास करते हैं, और ये जो ब्रिज है छोटा सा ब्रिज है लेकिन जो इसकी हरियाली है ये दिल में, आप कैमरे में देख रहे होंगे लेकिन मेरे इस समय जब मैं सामने इसको देख रहा था तो एक अलग प्रकार की खुशी हरे हरा जो था हो रही थी। और कुछ ही समय बाद देख सकते हैं हमारी ट्रेन, क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं है अम्बाला कैंट से हरिद्वार के बीच में, ये ट्रेन हरिद्वार तक है, ऋषिकेश नहीं जाती, तो हमें अब हरिद्वार उतरना पड़ेगा ऋषिकेश जाने के लिए। किसी भी वक्त हमारी ट्रेन हरिद्वार जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच सकती है, और आप देख सकते हैं पहाड़ आपको दिखने स्टार्ट हो गए होंगे अगर आप दूर नज़र घुमाएंगे। बहुत ही छोटा सफ़र था लेकिन बहुत आनंद आया सेकंड क्लास में ट्रैवल कर करके।
जनरल टिकट थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, भाई लेटने को मिल गया, उसके बाद नज़ारे इतने बढ़िया मिल गए। और मैं लिफ्ट से अब नीचे उतरूंगा और आपको बाहर से हरिद्वार रेलवे स्टेशन दिखाऊंगा। देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है हरिद्वार रेलवे स्टेशन। अगर आप आ रहे हैं दूर से, पहले आप हरिद्वार को एक्सप्लोर कर लीजिए, फिर ऋषिकेश जाइए। लेकिन मेरा लक्ष्य, घर से ही मैं ऋषिकेश के लिए निकला हूँ, तो मैं अब बस का इंतज़ार करने वाला हूँ। एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको बस लेनी है ऋषिकेश की, तो ये जो द्वार दिख रहा है बस स्टैंड का, तो आपको यहीं खड़े हो जाना है और हर बस को देखते रहना है। और तुरंत जब आप कुछ समय इंतज़ार करेंगे तो आपको अपने इसी पॉइंट से मिलती है ऋषिकेश की बस। हर बस पर आप नज़र रखिए, हमें ये बताया गया था। और जैसे ही एक बस आई जिस पर हरिद्वार ऋषिकेश लिखा गया था, तुरंत हम चढ़ गए। काफ़ी ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो यात्रियों की संख्या देख सकते हैं। तो हम बस का भी सफ़र करने वाले हैं हरिद्वार से ऋषिकेश का। मैंने ऑनलाइन अपना जो रूम बुक कर लिया है, रूम तो नहीं है लेकिन कॉमन रूम होता है, डोमेट्री जिसको बोलते हैं, उसमें 6 या 4 आदमी रुकते हैं, बहुत ही बेहतरीन। और देख सकते हैं इस वक्त हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। तमन्ना थी दिल में कि कभी अकेले जाऊं ऋषिकेश, तो बैठ अब मुझे तपोवन जाना है, क्योंकि तपोवन में मैंने रूम लिया हुआ है। तो मैंने जो ये रिक्शा वाले थे इनसे पूछा, ऑटो वालों से, कि भाई तपोवन कैसे जाना है। इन्होंने जो जो रास्ता बताया तपोवन से पहले उतार दिया। और 1 किलोमीटर में पैदल चलकर काफ़ी ऊंचाई पर, यहीं से नज़दीक है सीक्रेट वाटरफॉल, जो मेरा परफेक्ट स्टेज है, नाम परफेक्ट स्टेज, मैं डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। आप यहाँ पर आकर के ऋषिकेश में रुक सकते हैं सीधा, बहुत ही सुंदर रूम है इनका। मैं थोड़ी देर आराम करूँगा और फिर मैं बाहर निकलने आ गया ऋषिकेश की शाम को देखने। बहुत ही बढ़िया हवाएं चल रही हैं। इसके बाद मैं दोबारा अपने होटल चलाऊंगा और पूरी रात आज आराम करूंगा, जिससे मैं कल पूरे एनर्जी के साथ घूम पाऊं। और मैंने ये निर्णय, देख सकते हैं जहां पर मैं रुका हुआ हूं कितना साफ सुथरा है। सीधा आप आइए ऋषिकेश, यहां रुक सकते हैं, टोटल 8 बंदे रुक सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। और मैंने अब पूरा दिन सफ़र करके काफ़ी थक गया हूँ, ऋषिकेश तो मैं पहुँच गया हूँ, जाना तो पुष्कर था जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो मैं खाना खा लेता हूँ और फिर सो जाऊँगा आराम से। तो खाना हमारा आ चुका है, दिखाता हूँ मैं आपको खाना क्या क्या ऑर्डर करा है मैंने। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, पनीर 2 प्याज़ा बढ़िया और बटर रोटी वगैरह ऑर्डर करा है। अब मैं खाने पीने का आनंद लूँगा और जो अपना रूम है यहाँ पर सो जाऊँगा। और फिर हमारी मुलाकात होगी सुबह ऋषिकेश की दूसरी वीडियो में। तो मिलते हैं आगे, नमस्कार दोस्तों।